पाँच छः दिनों से दिल्ली सरकार के बारे में बहुत ही पॉजिटिव खबरें आ रही थी। स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस करी। उसके बाद दिल्ली सरकार पहली बार देश में एक ऐसी योजना लेकर आई कि जहां प्राइवेट अस्पतालों पर एक लगाम लगाने की कोशिश हो रही है कि मनमाने तरीके से जो मरीजों से पैसे लिए जाते हैं ऑपरेशन के नाम पर, दवाइयों के नाम पर, उस पर रोक लगाने की हमने पहल करी। और आज हमारे हेल्थ मिनिस्टर पर सुबह सुबह CBI ने छापा मार दिया। पिछले तीन साढ़े तीन साल से ये लगातार एक पैटर्न बन गया है कि जब भी दिल्ली सरकार कोई अच्छा काम करने जा रही होती है, जनता के हित में काम कर रही होती है, उसके अच्छे कामों की हर तरफ तारीफ हो रही होती है, तो CBI या एंटी करप्शन ब्यूरो या दिल्ली पुलिस कोई ना कोई केस मुकदमा हमारे विधायकों पर, मंत्रियों पर कर देते हैं। और हमारे अच्छे काम के बारे में चर्चा ना हो और एक कॉन्ट्रोवर्सी हो, हम विवादों में आए, उसकी वो कोशिश करते हैं। पिछले तीन सालों में मोदी जी की किसी भी एजेंसी में हमारे किसी भी मंत्री या MLA के खिलाफ एक भी सबूत वो कोर्ट में नहीं रखता है। कोर्ट में आज तक जितने भी केसेस गए उन सभी केसेस में हमारे MLAs बरी हुए। पिछले तीन सालों से मोदी जी की एंटी करप्शन ब्यूरो, मोदी जी की CBI, उन्होंने हमारे मंत्रियों पर खूब कोशिश करी कि कोई मुकदमा लगा दें, किसी तरीके से फंसा दें, लेकिन जो भी केस उन्होंने आगे बढ़ाए बाद में उस केस में कुछ नहीं मिला। कल ही एक सत्येंद्र जैन की बेटी के खिलाफ एक फर्जी मुकदमा जो था, जिसकी जांच CBI 2 साल से कर रही थी, उनको मजबूरन वो मुकदमा उसको बंद करना पड़ा, क्लोजर रिपोर्ट उसमें फाइल करनी पड़ी। तो एक चुनी हुई सरकार काम ना कर सके, इसके लिए हमारे ऊपर रेड की जाती है, FIR की जाती है। और इस तरीके से उत्पीड़न पिछले 70 सालों में देश के लोकतंत्र के इतिहास में किसी भी चुनी हुई सरकार का नहीं किया गया है जितना मोदी जी और उनकी एजेंसियों ने आम आदमी पार्टी सरकार का किया है। मोदी जी की CBI ने ललित मोदी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। मोदी जी की CBI नीरव मोदी देश में स्कैम करता रहा, बैंकों से हजारों करोड़ रुपए चुराता रहा और चुरा के बाहर विदेश भाग गया और मोदी जी के साथ तस्वीर भी खिंचा ली, लेकिन मोदी जी की CBI कुछ नहीं कर पाई। मोदी जी की CBI सिर्फ इतना ही कर सकती है कि वो आम आदमी पार्टी और उसकी एक ईमानदार सरकार के खिलाफ उत्पीड़न कर सकती है। वो उत्पीड़न किसी भी हद तक जा सकता है और हम जितना भी उत्पीड़न होगा हम किसी चीज़ के लिए भी तैयार हैं।